हाय हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम जय माँ भुवनेश्वरी। आज हिंज 3 अक्टूबर 2024 और आज पहल नवरात्र, आज बड़े नवरात्र शुरू होगी ना, तो आज कलश यात्रा या कलश रैली होंगी माँ भुवनेश्वरी माँ जो कि सांगुड़ा माता मंदिर से भी फेमस है मंदिर, तो बिलखेत बैंड बेटा और माता प्रांगण तक कलश रैली होली। तो चलो फिर आज पहलवार में भी छो और आप तभी दिखा लो माँ भुवनेश्वरी का कलश यात्रा। तो ये जी बिलखेत बैंड और एक बटे रैली शुरू हुए ठीक मंदिर प्रांगण तक मंदिर ना तरफ पुलिस व्यवस्था भी जो उत्तराखंड सरकार रैली बड़ी जबरदस्त है सर। नमस्कार भीड़का जो तक दिखाओ भुवनेश्वरी प्रकट हो गया बस जय माता दी माता खुश हो गया हमारा माता टोली जाने पहलवार सामने जी आगे चले कि प्रोग्राम बहुत जबरदस्त शामिल होना बहुत जरूरी है अभी हम भी स्पेशल इनवाइट चाहिए था सनासन बनी चुके माता दी।
है यहाँ मंदिर थोड़ा सा भोलेनाथ जी मंदिर प्रांगण जय माता दी कहते जो जय माता दी जय माता दी कहते जो जय माता दी 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 Thank you.
प्रसाद यू जी माँ भुवनेश्वरी का मंदिर सांगणा
मंदिर नाम से फेमस छ। और 15 जनवरी को मेला लगत ये पूरा दिखेना। पहले तो सहारा ऊंचा बहुत बढ़िया, लेकिन अभी भी सब बांझ हो गए ना, जन की सभी जगह होना छो तो एक गिन खिले जाने दिन समय भर नया नदी और इन ताल भी छोटे छोटे मंदिर वगैरह। यह नहर नदी जो यहाँ पर साफ सीधा मिली जो आप ब्यास चट्टी में और जो एक मार्ग दृश्य जो बहुत गहर पानी थी मताल एकदम बहुत गहर थी ताल ठीक ताल थी ज्यादा स्पेस में और सीनरी बड़ी जबरदस्त था भी बेटा चारों तरफ ऊंचा ऊंचा पहाड़ थी। चारों तरफ ऊंचा ऊंचा पहाड़ आज शक्ति माँ भुवनेश्वरी में आपकी मनोकामना बहुत बड़े बहुत बड़े भाई जी। ये मंदिर जो रैली बारे में बता जाओ आज के दिन बता जाए दीदी का फटे होने चाहिए रैली करो लगाता रहता आप अच्छा इन बता सकते कका का लोग आया मतलब कम से कम 10-12 गाँव का अच्छा धार बटे अच्छा बेटी सन अच्छा दुली दुए एक तो धारी बेटा एक पहले के छाव का घर है अच्छा लोकल डोरी बहुत बड़े बहुत बड़े ये तो पता नहीं अपन बता तब जगह चलो आज आपा कृपा से हम भी ये खाना सौभाग्य मिले सही बात अच्छा भंडारी भी चलू ना अच्छा श्री राम कथा चलो हाँ भी आराम से चलो हाँ लगा लगा बोलो प्रोग्राम बढ़ चुकी मंदिर में तो जो डोल चढ़ चढ़ गया और अभी श्री राम कथा भी चलो समय पर बोल भी लगे मुझे और ना भंडारा भी आयोजन से भंडारा खेल जाना बात तो मतलब हर चीज की व्यवस्था थी बहुत ही बढ़िया। तो चलो जी अब चल रहा हूँ ना तरफ भंडारा तरफ अरे हमारे यज्ञ करना कौन बड़े जी हवन यज्ञ करना कौन बेहतर बहुत ही बढ़िया वैदिक यज्ञ साला जगह तो बहुत बढ़िया है जी। माँ भुवनेश्वरी मंदिर स्थान बहुत जबरदस्त अरे मानो रास्ता कहीं जो ताल नयार में भाई गुसैन जी कमेंट में छाए कि बोला आजकल भंडारा नहीं हो रहा क्या। तो गुसैन जी आप अखबार सच हुई आई भंडार में लिया मैं तो देख लिया धन्यवाद वीडियो दिखाने वास्ता इन्हें दिखा रहे बोलो बोलो जय माता दी भक्त कह भगे गाँव भक्त लोग अच्छा नैथन है ओ नैथन सुन भाई नैथन करोड़पति लोग सुन भाई पूरे नैथन जी गाँव भुवनेश्वरी आश्रम आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर बिकार रजिस्टर काफी जबरदस्त आश्रम जी भाई बहुत बढ़िया। ओहो डांगी जी राम राम और क्या हाल है भाई जबरदस्त बिल्डिंग थी भाई आश्रम यार पसने ऐसे लगना जरा
मंदिर फट जाते हैं ना दूर नैत मिली है तो बहुत बड़े बहुत बड़े आ जा भीतर बैठा भाई जाके जबरदस्त भाई बाजू भंडारा व्यवस्था भंडारा व्यवस्था वाह जबरदस्त सिस्टमेटिक तरीके से सब अच्छा गुरु जी भंडार को दे भंडार को देखो हाल का अच्छा 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 ये महेंद्र सिंह राणा जी का अच्छा सत्संग भवन पुणे स्मृति में स्वर्गीय लीलावती एवं शांति प्रसाद ने थानी शास्त्री मुंबई लोकार्पण डॉक्टर सतीश ने थानी एवं श्रीमती हिमलता ने थानी ने थाना पुणे 10 दिसंबर 2014 इंग्लैंड बेटा भाई बड़े जहां जी सुनील जी जी क्या हो रहा है भाई, भाई राणा जी पूजा करना है ना मान्य विधायक द्वारी खाओ ओम मंगल मूर्ति नमः माँ भगवती जगदम्बा भुवनेश्वराय नमः भैरव देवताय नमः नरसिंह भद्रदा देवताय नमः ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तत्ने त्रिगुरुवे नमः जयंती भंगाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा चना शिवधात्री स्वाहा सदा स्तुति ध्यमाय नम जयृत्ये नम ओं पश्चिमी वरुणाय नम ओं वाल्यापे नम ओं उत्तरे कुबेराय नम ओं ईशान्यादाय नम ओं पदार्वे ब्राह्मणे नम ओं अंताय नम ओम हरि ओम मकर गणपति नमो नमः ओम मनोज्योतिषुगतामा बृहस्पति तनु तुम पृथ्वी देवाई हम ज्योतामो प्रतिष्ठा अस्थि प्राण प्रतिशत अस्थि प्राण शरत अस्थि मम ये चुकंदर सुप्रतिष्ठो वो भवे थोड़ी देर में जो श्री राम कथा मान्य विधायक श्रीमान महेंद्र सिंह राणा जी मुख्य यजमान थे ब्लॉक प्रमुख द्वारी खाल आज शुरू हो रही है भंडारा ना डांगे जी के इंटरव्यू कना चंद जी राणा जी का भगवान कैसी पूजा करते रहे और आज देखेंगे आप पहला नवरात्र है पहला भंडारा है और इस तरह से आप देखें माँ के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा है और देखा आज फंटी भी रावत जी राणा जी इन्हें बड़े नन पर्सनल पर्सनल और कन बड़ू का खाना को राणा जी राणा जी पर बैठा ना ये आज जी मेरे थाल स्पेशल थाल लगी गई मैं सीधा काउंटर बैठा मैंने अर्थ सुपर स्टार श्रीमान आसु फंटी जी कन बड़ू तो भोजन बहुत शानदार मजेदार हुई ना चलो भाई अपन खेल वाह मंद खेल साहब बहुत सही टाइम पे हाँ जी बिल्कुल टाइम पर बहुत बहुत धन्यवाद भाई रावत जी देख ला तुम सुपर स्टार थे ना एक आम आदमी तरह बैठे हैं जिन्हों बहुत बड़ी बात सुपरस्टार ना तुम सुपर स्टार था जी हमारे यहाँ चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई घुआड़ा भी प्रसाद खाणो तू देखा तुम चाट चाटे को भी अकेला घुआड़ा चोर में इतना पतला हो गया तो चलो एक भी बोल हो गया तो ये तरह से आपन त्याग जी म्यार चैनल के माध्यम से पहली बार माँ भुवनेश्वरी की कलश यात्रा कलश रैली या डोली यात्रा कुछ भी बोल सकता आज डोली चढ़ेगा और एक साल में 2 बार होंगी कि लेकिन नवरात्र 2 बार आने तो पहले नवरात्र के दिन ये प्रोग्राम इकम होंद मैं तो पता नहीं छा लेकिन अंजू दीदी मैं तो पता छा तो मैं तो स्पेशल इन्वाइट करूँ छा तब भी खाऊँ ये खाने का मौका मिल मैं और वहाँ कहीं काफ़ी अच्छे प्रोग्राम जो तो माँ भुवनेश्वरी सभी दर्शकों पर जो जो भी ये वीडियो थे देखा यूट्यूब माध्यम से ऊपर अपार कृपा बनाई रख
इनमें माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना कर दूँ। तो फिर मिल रहे एक नए ब्लॉग में। जय माँ भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।